हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपको बहुत 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 स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है और डबल अच्छा है क्योंकि आज हमारे बड़े ताऊजी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ताऊजी। और आज पापा ताऊजी की बर्थडे पार्टी देने वाले हैं। क्या क्या है वो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आओ। हम शान से भाग रहे हैं। जल्दी आओ, जल्दी। नानू आ गए और ये हमें आपको कितने से कॉल कर रही थी। अदरक नहीं लानी थी, आप अदरक को नहीं ले आए? अदरक तो बहुत सही रखी थी। कुकीज के लिए तो ये भी कह रहा था नानू को, बोल दो। मैंने कहा कॉल ही नहीं हो पा रही है। उन्हें डाक लिया, डाक लाया से नानू आ गए, नानू आ गए। ये लो वही वाली कुकीज। नहीं तब से इतनी, हाँ नहीं नहीं इतनी आ रही है। मैंने बोला था ना पापा, नहीं और कुछ फालतू नहीं लेके आना। इतना सारा सामान रखा है, सब खराब ही होगा। नहीं पापा, न्यूटेला और वो बोला था सिर्फ, क्या बोला था भूल गया। हाँ सिर्फ मैंने ये बोला था और वो बोला था, क्या नाम है, कह रहे फिर भूल गए, आलू। ओहो, मिसेस के लिए स्पेशल ड्रिंक, ये ले तेरे लिए। हाँ पापा अच्छे होते हैं। हाँ 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 मैं बनाती हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं है, प्याज डलेगी, नींबू, काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा टमाटर काट के। गोभी खाना चाह रहे हैं? नहीं पापा, कहते गोभी अच्छी। आप एक फिर पूरी ले आते ना, एक कटी हुई नहीं, कटी हुई हम कभी नहीं खाते। चलो फिर आज तो दाल चावल है पापा, अभी तो दाल चावल, रात को मैं फिर आलू को भी बना देती हूँ। दूध आ गया, दूध। चलो अब दूध पी लो। मैं तो अब राइस निकाल भी लिए, इस वजह से अब राइस तो बनेंगे दाल के साथ, बाकी आप बोलोगे तो आलू को भी बना दूंगी। ये उबाल दियो अभी, ये फिर पहले भी खराब हो गए थे पापा। लहसुन है तो सही, क्यों लेके आए? मैंने कहा लहसुन हरी मिर्च, मम्मी लहसुन हरी मिर्च अदरक बहुत सारी रखी है, बहुत सारी, और ये सस्ती नहीं मिलती है। अब नहीं खाना, मैंने सब दो चीजें बोली थी ना मम्मी आपके सामने। हाँ अब बस, अब कुछ नहीं, अभी बस 10 दिन का है, वो सब खराब हो जाएगा। प्याज देखना तीसरी बार ले आए, क्या करूंगी मैं इतनी सारी प्याज का। और ये ग्रेव्स बहुत दिनों से रखे, आज ये खा लेना आप लोग प्लीज, वरना खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ लहसुन दे दे और वो दे दे अदरक। तो पापा के आने से पहले मैंने ये राइस रख दिए थे और फिर पापा आए, फिर पता चला अरे आज तो बर्थडे पार्टी है। तो पापा बनाने वाले हैं चिकन और केक की भी तैयारी है पूरी, तो हम लोग केक कट करने वाले हैं। इस बार ने अभी पार्टी का पार्ट बन जाएंगे, वरना हमेशा ही होता था कि इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही होती थी और मैं पार्ट नहीं होती थी, लेकिन आज मैं भी हूँ। और क्या क्या है ये तो अभी मैं आपको वीडियो में, हाँ इसके बाद एक क्लिप डालूंगी कि पापा क्या क्या लेके आए हैं। वैसे तो ये डेली का होता है, पापा का डेली का रूटीन है कि पापा मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और कुछ ना कुछ लेके आते हैं, लेकिन एवरीडे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, लेकिन आज रिकॉर्ड हुआ है, आज मैं बताती हूँ। और आज बर्थडे पार्टी में क्या क्या है ये पापा बताएंगे। पापा क्या बना रहे हो आप? चिकन, चिकन की तैयारी शुरू हो गई। लेमन चिकन, आलू गोभी। ओए हो, ओए हो। तो यहाँ पे ये चिकन है, ये डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया है और ये चल रही है तैयारी। इतना सारा लहसुन और ये पैनकेक, तभी टेस्ट आता है मम्मी। हम जो एक आधे लहसुन डालते हैं ना, हमारा पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया। तो पता ही नहीं कैसा टेस्ट, और नॉन वेज कभी टेस्ट ही नहीं करा। थोड़ी सी अदरक और दे दी। ओ और ये सच में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है क्या? चलो पापा बहुत सारी ले आएगा, अच्छी बात है, मैं सोच रही थी खराब जाएगी। नहीं ये सही कहते पापा ने कि खुद बना लो फिर। अब सब चुप हो गए फिर, कोई तुम बना दो, मैं बनाऊं। ये लो पापा, ये लो। कहता मैं बहुत अच्छा बनाऊं, मैं बना दूंगी। हाँ तो बना दो फिर पापा, आज छोड़ भी देना, लेकिन क्या है ना हमारी पार्टी रह जाएगी, हमें क्या जाएगा। हाँ साइड बाय साइड ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। मैंने पहले राइस इसलिए रख दी क्योंकि मैं दाल राइस किया के लिए रखना चाहती हूँ, किया गई है स्कूल, तो उस वो आए उससे पहले पैनकेक। अरे इसको कुसौ दे दिया, खुद पैनकेक खा रही है। हाँ 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 पहले इसको खा ले तो दिए बनाए। आज देखो
ये इनका इनकी प्यार मोहब्बत देखी होगी ना, आज मैं इनका झगड़ा दिखाती हूँ। अरे अरे आज भी पूरे पूरे ड्रामे चल रहे हैं। नहीं ये ड्रामे नहीं है सच में, दिन में 10-12 अपनी मम्मा को किस करता है, फिर पापा के पास जाता है, फिर वहाँ पे किस करता है, पूरा पूरा प्यार करता है। लास्ट टाइम यही बनाया था ना आपने यहाँ पे? ओके, ये बहुत फेमस डिश है, इसका नाम ही ताऊ ने रख दिया क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भी बनता है और थोड़ा ज्यादा टेस्टी है, और नो डाउट जब ऐसा करता होगा तो टेस्टी तो बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे है राहुल वाली दाल और ये पापा वाला चिकन, और ये दोनों ही बहुत स्पेशल लगते हैं। मैंने राहुल की दाल की रेसिपी तो बहुत बार शेयर कर ली है, आज पापा की इस बार चिकन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जरूर ट्राई करना। बाकी ये बना कैसे वो तो ये लोग खाने वाले, बच्चों को बुला ले यार खा लेंगे। तो अब मैं लूंगी रिव्यूज भी कैसे है, पापा आप बताओ, आप तो फिर बताओगे जब आपने बनाया है तो। अच्छा वो तो अब हम चेक नहीं कर सकते सच्चा या झूठा है, क्यों खा नहीं सकते ना। नहीं मैं बोल दिया था नमक कम था, पापा जी ने नमक और डाला, बढ़िया हो गया एकदम। ओके नाइस, कैसे प्यार कर रहे हैं, उबलते हुए पानी में हाथ डल गया इसका, ज्यादा जल गया मेरा वाला काम, क्या कर दिया इसने, इसको डायपर चेंज कर दिया, जला कोई और है और प्यार जिया जी हाथ जल गया बीवी का, अरे रुक जाओ मेरी बहन के लग गया, आपको डायपर चेंज की पड़ रही है, भुट्टे उबाले गलती से, हाँ स्वीट कॉर्न बॉइल हो रही थी और इसको पता ही था, इसको लगा ठंडा पानी और उसने जल गया ना ज्यादा, हाँ कोलगेट लगा दे, दिक्कत है। हम लोग हो गए रेडी, क्या सीन बन रहा है हम लोग का शॉपिंग सेंटर जाने का, मतलब कि हम लोग वापस से चैटसन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कुछ कुछ शॉपिंग रह गई थी, कुछ क्या बहुत सारी शॉपिंग रह गई थी वहाँ जाने के बाद, पापा और जीजू के लगा नहीं यार यहाँ पे तो और टाइम देना चाहिए, तो क्योंकि वो दोनों सबसे ज्यादा शॉपाहोलिक है, बाकी सब जो है ना वो ये है कि कुछ अच्छा लगा ठीक है तो जरूरी नहीं है, लेकिन उनका बड़ा जरूरी वाला काम होता है। तो फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन क्या स्कूल गई हुई है, क्या स्कूल से पिक करना है, और अयान और साहिब दोनों घर पे रहने वाले हैं और साथ में कोई ना कोई एक जरूर रुकेगा, बाकी हम सब जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर और अभी क्या को हम जा रहे हैं पिक करने के लिए स्कूल। तो मेरी कार में है शान और मम्मा बीच में आने वाली है किया। मैंने ले लिया किया को और मुझे लगता है मम्मी पापा भी आ गए, मैं दूसरी कार भी आ गई है, चलो चलो क्या हमारे साथ, सब आ गए, हाँ नहीं कुट्टू भाई साहिब भाई नहीं आए, हाँ मैं आई थी पहले आपको लेने के लिए, हाँ कौन कौन नहीं आए वो आपको जाके पता चलेगा, मम्मी पापा तो है, मम्मी पापा किया तो है,
मम्मा पापा की और शान। भाई कौन कौन है तू देखो। सब आया ना, सब आया आपको लेने के लिए, है ना, सब आया लेने के लिए। इसको ये मुझे बोलती थी आई विश मुझे लेने सब आए, तो मैंने कहा लो आज आपको लेने के लिए सब आ गए। हम लोग पहुंच गए हैं। मेरी बहन का हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, पति को शॉपिंग तो करानी है। तुम्हें आसान लगता है क्या शॉपिंग करना है? आप लोगों को लगता होगा कि ये डेली डेली निकल आते हैं, आसान है क्या? वो देखो हाथ जलने में भी निकल के आए हैं, आसान नहीं है बहन, बहुत मेहनत लगती है। हाँ ये बीमारी ही पूरी है जिसको लग जाए ना। जिसको लगे ना उससे पूछो। हाँ और उसकी बीवी से पूछो जो हाथ जले पे भी आई है ना, जो भी है वो पति की शॉपिंग। तो देख देख अब हाथ जले पे आई है ना, हाथ जले पे आई है तो कुछ तो लेके जाइयो। आज तो मैंने करना ही है ना। हाँ चल लाओ तेरे जिम में जूती चप्पल दिलाती हूँ। पापा कहाँ रह गए? हाय शोनू। ठंड में मार दे रहा हूँ सन्नी देओल कह कह के। देखो बीन स्टॉलर। हाँ नहीं इसने अपना लंच बॉक्स अभी करा था, इसका लंच नहीं हुआ था ना अभी स्कूल में, तो इसने आके करा था। पापा हमारे खो गए, मेरे पति को टेंशन हो रही है, मम्मी कह रही है आ जाएंगे। वो ना खोए कहीं पे भी। हाँ लेकिन बात सच है कि पापा को खुद ब खुद भी पता चल जाएगा, लेकिन इनकी टेंशन भी जायज है कि हाँ वह घूमने से अच्छा है हम सीधी सीधी बता दें। तो हमारे जिया जी के हमें तो सब फेवरेट, लेकिन वो चले गए हैं इसलिए हम लोग ले रहे हैं। हम पापा का वेट भी कर रहे हैं और कुछ खा पी भी लेंगे। देख रहे डियो का डिस्प्ले सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब आ गए हैं अपने पुराने अड्डे पे। कन्नौज जिया जी को संभाल लो, हमें एक फ़ोन दे दो ये फिर खो जाएंगे। पापा कहाँ गए? हम लोग आ गए हैं मेन सेक्शन में जहाँ पे ये दोनों पाए जाएंगे, जिया जी और राहुल। अच्छा शूज चेक कर रहे हैं और दोनों बच्चे भी उनके साथ ही हैं। अच्छी बात तो ये है कि बच्चों का ध्यान रख ले ताकि हम भी कुछ देख सकें, क्योंकि हमारे भी फुटवेयर इसी फ्लोर पे है। फिर भी जाके चेक करूँगा, मुझे फ्लैट्स लेने, मैंने आप लोगों को बताया था ना मुझे न्यू फ्लैट्स लेनी है बट वेरी क्लासी। क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों बन रहे हो? अरे नहीं कैटी नहीं, नो कैटी नहीं, आना भी नहीं, बस लव यू करो, देखना क्या मत करो ये सब। अब मम्मी और मैं देख रहे हैं फुटवेयर्स, क्योंकि मम्मी को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। मुझे चाहिए मैंने आपको बताया फ्लैट वाली, मम्मी को चाहिए शूज़। ऐसे ही वाली अच्छी भी लग रही है ना, ये नाइस। इसके अंदर मुझे न्यूड मिल जाए ना, सॉरी मुझे न्यूड्स मिल जाए तो बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे लग रहे हो। पता है इसमें लेसेस भी नहीं है तो ये और कंफर्टेबल भी रहेगी और लाइट वेट है तो और अच्छे लग रहे हैं। ऐसे बड़ा कह रहे नानी वाले शूज है ना, छोटे लग रहे हैं। नहीं सही है वो, ऐसे है ना कि लेसेस नहीं है इसमें, इसमें से पहनने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन साइज सही है और भी अच्छा कलेक्शन है। ये ना मैंने एक न्यू ब्रांड डिस्कवर करी है और इससे कलेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। इसके मुझे हैंड बैग्स भी बहुत अच्छे लगे और इसकी फुटवेयर भी बहुत अच्छी है, स्पेशली ये शूज तो बहुत स्मार्ट है। ये वाले और ऐसे ही देखो, ये कितने स्मार्ट शूज है, ये ऐसे डेनिम में भी है, अच्छे लगे मुझे। देखो मुझे ये वाले शूज भी बड़े स्मार्ट लगे। ये है कर्ट की का, इसके हैंड बैग्स भी है ऐसे ही बड़े चमक दमक, मतलब शादी के लिए तो बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि मेरे को साड़ी सूट्स के लिए ऐसे फुटवेयर्स ऐसे बैग्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, उसके लिए ठीक है। लेकिन अब तो मेरे साड़ी सूट छूट गए हैं तो मैं लूँगी नहीं, लेकिन अच्छा कलेक्शन है। कितना अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हैं।
क्या आपको ठंड नहीं लग रही है शोना? क्या ठंड नहीं लग रही है आपको? कम से ना आज क्या आप चेंज कर लो, आप स्कूल ड्रेस चेंज कर लो। हाँ बस नहीं नाइस लगी, स्कूल ड्रेस चेंज कर लो फिर घूमते हैं। आज सोनू आप भी। अब बच्चे खा रहे हैं खाना और मैं बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। बड़े टाइम बाद मैंने ऐसे कोटा पूरा करा है ऐसे वाला, क्योंकि ये घर पे पहनने के कपड़े के भी ठीक नहीं थे। आ जाओ कि आप चेंज कर लेते हैं। क्या हुआ आप ठीक हो? तो क्या ने चेंज कर लिया है, क्या आपको यूनिकॉर्न अच्छे लगते हैं? तो मैं सब चीज़ें यूनिकॉर्न वाली कर ली, पैंट पे भी यूनिकॉर्न और जंपर पे भी, लाइक कार्डिगन है उस पर भी यूनिकॉर्न। अब ये डर है कि कहीं इसके पापा को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो हम लोग आए यहाँ पे पेरेंट रूम में ताकि इन दोनों कुछ खिला पिला सके। हाँ 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 नानी यहाँ पे आपके पास है, मैं कुछ खाने पीने के लेके आती हूँ। ओके नानी, देखो यहाँ छोटी छोटी पार्टी हो रही है, पेरेंट रूम ही हो रहा है। तो सब लोगों ने ना खा पी लिया था, मैं खा पी के और मम्मी को पेरेंट रूम में बिठा के, जो यहाँ पे डायपर चेंजिंग रूम होता है बहुत अच्छे होते हैं, तो पेरेंट रूम में बच्चे के साथ छोड़ के आई हूँ। और पापा और राहुल है सनग्लास हट पे, तो मैं यहाँ जा रही हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं काफ़ी देर। आज फिर इतना बोझ आ गया मेरे स्टॉलर पे, मेरे स्टॉलर पे इतना बोझ आ गया, पीछे गिरेगा ये आज फिर से। और यहाँ देखो क्या चल रहा है, शानू दे दो प्लीज़ दे दो। नहीं 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 छोड़ा, गुस्सा नहीं करो, मैं दिला रही हूँ। शानू प्लीज जूस दे दो दीदी को, दे दो शानू प्लीज दे दो दीदी को। जाओ ले लो। हाँ पियो जितना है जल्दी पी जाओ, वरना फिर मांग लेगी। ले लो पी जाओ, इतना मत सोचो, थोड़ा सा तो पियो, वापस मांग लिया उसने तो। अब क्या स्ट्रॉ कहाँ से लेके जाऊँ मैं, कहाँ लेके जाऊँ उसको? पीछा ना छो ना मेरी, क्या झूठा नहीं पी, इतना दूर वापस जाएंगे। अभी देखो क्या हो रहा है ये इतना वेट शानू को बिठाने पड़ेगा। आज मैं करवा रही हूँ मम्मी का मेकअप की शॉपिंग, तो मम्मी को अब लिपस्टिक ट्राई कराऊंगी, फिर उसके बाद मम्मी को कुछ बेस के लिए भी चाहिए, तो हम ये सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। आप मेरे मम्मी को यहाँ बिठा लिया है मेरे को लिपस्टिक के पास। Nice, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? चेक कर ले, इसने पॉटी करी और फिर मेरे को कहीं भी डायपर चेंजिंग रूम नहीं मिला, फिर मैं अपने वॉशरूम में लेडीज वाले वॉशरूम में लेके गई इसको, कैसे कैसे चेंज करा। तो जो इन्फॉर्मेशन डेस्क उस पे चेक कर लेते ना डायपर चेंज, और फिर इतना दूर कैसे जाती है, ये मेरी गोद में थी इसे कपड़े भी गंदे हो गए थे। बच्चों के साथ तो ये चैलेंज रहता ही है ना। और मम्मी कह रही है उससे पूछ वो इंडियन है या नहीं, फिर उसके ऊपर से ये सब भी है, कह रही रिश्ता कर लूँगी बस हिंदी आनी चाहिए है। अब तो फिर फोन खो दे, जिया जी ने बोला था तुझे ना देने के लिए, मजाक लग रही है हरकत। अरे हमारा शॉपिंग में बिजी, मैं मम्मी और किया कर रहे हैं पार्टी, ताऊ जी के बर्थडे की पार्टी, क्योंकि पापा तो भूल गए हमें बोल के। सबसे अच्छी है ये शो ना, देखो हमारा वहाँ का ऑर्डर भी रेडी हो गया होगा, मैं वो भी लेके आती हूँ। यहाँ पे मैंने मोमोज ऑर्डर करे, देखते मोमोज कैसे हैं। वैसे पाव भाजी की वो जो ये है ना सब्जी, ये तो ऐसी लग रही ना आलू वाली सब्जी, भंडारे वाली दिल्ली वाली बात है। हाँ सबसे अच्छे ही चूरोज आए पाव भाजी तो बस ऐसी थी। हम्म, यम्मी
हम लोग निकल आए हैं शॉपिंग सेंटर से, लेकिन आज हमने बंद नहीं करवाया, हम 5-10 मिनट पहले आ गए हैं। तो मेरी कार में है कन्नू, मम्मी, किया और शान, पापा, जिया जी और राहुल आ रहे हैं दूसरी कार में। चलो रोने लगे, हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो यहाँ पे सब आ गए हैं और अब हम ताऊ जी के बर्थडे केक कट करने वाले हैं। करे आ जाओ केक कट करेंगे एवरीबॉडी। अच्छे नहीं, हाँ इस टाइम पे और कुछ खुला नहीं मिलता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ वूलवर्थ खुला मिलता है, वो पता नहीं कौन सा वाला। चलो 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 आ जाओ। बड़े बड़े लोगों के लिए ये देख लो ताऊ जी, आपके लिए आपके बर्थडे केक। आज कौन कट करेगा, आप करोगे पापा या बच्चे करेंगे? लाओ दो, मुझे दे दो। ताऊ जी वीडियो कॉलिंग पे ले लो, जब भी फायदा काटने का भाई होंगे इस टाइम पे फ्री। वो हाँ फ्री है। ओके, टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सानू काटेगी, सानू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र, बहुत अच्छी सेहत दे और बहुत सारी खुशियां दे। बढ़िया जा रही, सारा दिन बढ़िया हो गया। ये पारी सब आ गए थे, बारिश हो गया। हाँ नहीं तो बारिश वो बता रहे थे कई दिन से तो ऐसे ही हो रहा था जी। सुनता हूँ जी के बर्थडे पे तो मौसम भी बढ़िया हो गया जी। लो जी ढेर सारा प्यार ऐसे ही। जिया जी 1 बजे घुसे मॉल में, 9 बजे निकले और कुछ नहीं खाया, सिर्फ शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग, तो सिर्फ खाते पीते रहे हैं। तो हमारी होगी है सोने की तैयारी, इसलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपनों का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं, बाय।